अचानक वायरस दुनिया में आता है और पूरी तरह सबको तबाह करने में लग जाता है। चीन से शुरू होता है एक वायरस और दुनिया के अलग अलग शहरों में छोड़ा जाता है, पूरी तरह से सारे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है और उसके बाद चीन अपनी जीडीपी को अचानक बढ़ा लेता है। एक नई साजिश, एक नया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं दीपक सारस्वत, आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसा खुलासा जिसे आप सुनकर सोच भी नहीं पाएंगे कितनी चालाकी से चीन ने अपना हथियार पेश किया है इस दुनिया के अंदर अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए। कई लोग समझेंगे मेरा दावा झूठा है, लेकिन मैंने 3 दिन तक लगातार इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं। मेरे दोस्त हैं कुछ जो चाइना में रहते हैं, उनसे बात चल रही है मेरी। मेरा खुद का भाई इटली में है, उससे मेरी बात चल रही है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि चीन की सोची समझी साजिश का शिकार है ये पूरे दुनिया वाले, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी साहब हो, या कोई भी हो। सिर्फ साजिश रची गई है, और क्या साजिश है इसका खुलासा मैं कर रहा हूं आपके सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन में अचानक एक वायरस बनता है और जहां यह वायरस पनपता है, शुरू होता है, उसके आसपास के 1000 किलोमीटर में वायरस नहीं जा पाता, वहां कोई मौत नहीं होती। शंघाई जैसे शहरों में, बीजिंग जैसे शहरों में कोई मौत नहीं होती, जबकि 12000 किलोमीटर दूर चाइना में लाशें बिछ जाती हैं, फ्रांस में लाशें बिछ रही हैं, इंडिया में अभी लोग मरना स्टार्ट हो रहे हैं। आखिर कैसे हुआ? क्या जब पहला केस हुआ चाइना में तो क्या चीन को पता नहीं चला होगा? और जब पता चला, उस डॉक्टर को क्यों मार दिया गया? जिस रिपोर्टर ने पहली खबर छापी उसका भी कोई अता पता नहीं है। आखिर खतरा था तो उसको क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं इस पर रोकथाम की गई? चाइना से जाने वाली बाहर की फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद कर दी गई? क्योंकि एक साजिश थी, और यह साजिश अगर हम सभी लोगों को पता लग जाए तो सरकार पर प्रेशर होगा कि चाइना से आने वाली कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी जाए, उसको बंद कर दिया जाए। बहुत बड़ी बात है भाइयों। चाइना के वुहान शहर में एक वायरस जन्मा जिसका नाम है COVID-19, और उस वायरस का सीधा सीधा प्रयोग बायोलॉजिकल वेपन के रूप में किया गया, यानी कि जीवाणु वम के रूप में किया गया। चाइना की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है, मुझे किसी ने बताया नहीं है ना मैंने कहीं से पढ़ा है, पर मेरा यह मानना है और आप भी सहमत होंगे इससे। चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन बनाया जो आज से 15 साल 20 साल पहले किसी किताब में भी लिख दिया गया था कि चाइना एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो एक COVID-19 ये बायोलॉजिकल वेपन है, जीवाणु बम है। चाइना इसको इस्तेमाल करना चाहता था कि जो शहरों पे वो अधिकार प्राप्त करना चाहता है या जिससे लड़ाई करना चाहता है, वहां बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए बिना, कारखानों को नुकसान पहुंचाए बिना, सड़कों को नुकसान पहुंचाए बिना वो इस जीवाणु बम का प्रयोग करेगा, मानव जाति खत्म हो जाएगी और आसानी से उस शहर की सारी चीजों को उपयोग कर सकता है। दूसरी बात, चाइना इसलिए भी जीवाणु बम बनाना चाहता था क्योंकि चाइना एक संपन्न देश है, प्रगतिशील देश है, लेकिन यहां समस्या है पॉपुलेशन की। यहां की पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कुछ शहरों में इस जीवाणु बम का उपयोग करना चाहता था, जो इसने किया। इसने वुहान शहर में, जो कि डेवलप तो है पर यहां की पॉपुलेशन के अनुसार इसको खत्म करने के नजरिए से अलग से रखा गया, वरना यह बीजिंग में हो सकता था, यह और शहरों में हो सकता था, संघाई में हो सकता था, वहां क्यों नहीं हुआ? इसको वुहान शहर में प्रसारित किया गया, पेश किया गया, यहां लोग मरना स्टार्ट हुए, कई लोग मारे गए। आपको आंकड़े शायद मालूम नहीं है, 3000 का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन 3000 से कहीं ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। कारण यह है कि वहां की मोबाइल कंपनियों ने आंकड़ा जारी किया है और बताया है कि ये 80 लाख सिम क्यों गायब हो गई, अचानक लोगों ने फोन यूज करना क्यों बंद कर दिया। और आपको बता दूं, चाइना में एक सिस्टम है, मेरे वहां मित्रों से बात हुई है, वहां एक सिस्टम है कि आपका हेल्थ कार्ड सीधा सीधा फोन से जुड़ा रहता है, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा रहता है, आपका आधार कार्ड जैसे ही मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। तो वहां के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग मरते गए उनके फोन बंद होते गए, और कंपनियों को पता लगा, मोबाइल कंपनियों को, कि आखिर ये लोग कहां जा रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं, यानी कि वो लोग मारे गए हैं। तो करीब 60 से 80 लाख लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि उसको अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी थी और एक शक्तिशाली के रूप में उभरना था। इतना ही नहीं, इस चाइना ने अपने फ्लाइटों को क्यों नहीं रोका गया? जब पता था कि हमारे यहां लोग मरने लगे हैं तो क्यों नहीं रोका गया? उसके बावजूद भी अगले 20 दिनों तक इनकी फ्लाइट्स न्यूयॉर्क जाती रही, इटली जाती रही, फ्रांस के अन्य शहरों में जाती रही और इंडिया में आती रही। और एक खुलासा बताता हूं, शायद आपको यह जान के हैरानी होगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट यानी डायरेक्टर चाइना में थे आज से 2 महीने पहले। वो क्या कर रहे थे वहां पे? अगर उनको 2 महीने पहले वहां थे, 2 महीने पहले उन पर एक केस आ चुका था, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों नहीं विश्व को बताया कि खतरा बढ़ने वाला है, COVID-19 वायरस चाइना में आ चुका है,
उसके बावजूद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नहीं कहा। आप देख सकते हो चेक जाके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाके, तब उन्होंने ये कहा था कि ये कुछ नहीं है, ये छुआछूत से नहीं फैलेगा, ये WHO के डायरेक्टर के सीधे सीधे बोल हैं, आप ट्विटर पर पढ़ लीजिए। चूंकि ये सोची समझी साजिश थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसको पता था कि क्या होने वाला है, चाइना के साथ मिली हुई एक रणनीति थी। इसके बाद भाइयों पूरे विश्व की इकोनॉमी 6% डाउन हो गई है, 6% डाउन हो गई है। भारत की इकोनॉमी भी 3-4% डाउन हो गई है सिर्फ 3 दिनों में, 4 दिनों में। सोचिए जिस दिन भारत 20 दिन 30 दिन 1 महीना 2 महीना बंद होगा, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था 20-30% डाउन हो जाएगी। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में 10-20% डाउन हो जाएगी। साथ ही चाइना की GDP बढ़ी है, हमारी GDP घट रही है, चाइना की बढ़ रही है, क्योंकि सारे मास्क बेचे जा रहे हैं चाइना द्वारा, सारे सैनिटाइजर्स बेचे जा रहे हैं चाइना द्वारा, और अभी जो किट तैयार की है सबसे सस्ती दुनिया के अंदर वो चाइना ने तैयार की है, उसको भी फ्रांस कई मिलियन यूरोज में खरीद रहा है। चाइना में जो एंटीवायरस बनाया गया है, यानी इसका जो इन लोगों ने दवाई बनाई है, उसको भी चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, स्पेन में एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका खरीद रहा है उससे, वो भी 400 मिलियन यूरो में। अब सोच सकते हो कितनी बड़ी साजिश है कि जहर भी हम बनाएंगे, उसकी दवाई भी हम बनाएंगे, आपकी आबादी घटाएंगे, ताकत हटाएंगे। अभी देखिए पूरे विश्व ने अपना सारा पैसा लगा दिया है गरीबों के इलाज में, अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालने में, लोगों को संभालने में, भारत के सारे पैसे, टैक्स आपका बंद कर दिया है, किराए माफ हो गए हैं, आपके EMIs बंद हो गई हैं, आपको सरकार पैसे डाल रही है, राशन सस्ता कर दिया है, तो सरकार का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने टीवी पर लाइव आके कहा है प्लीज दान दीजिए, तो हम सभी लोग दान दे रहे हैं। इसका मतलब भारत का पैसा खत्म हो रहा है, दुनिया का पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन इसका फायदा उठा के सीधे सीधा चीन अब तैयारी कर रहा है युद्ध की। उठा के देखिए गूगल की रिपोर्ट्स, चीन ने अपने जहाजी बेड़े लगा दिए हैं अपने बॉर्डर्स पर, अपने जांबाज सिपाही भेज दिए हैं, अपनी तोपें तैयार कर ली हैं, ताइवान ने भी अपने टैंक लगा दिए हैं अपने आसपास के इलाकों में, क्योंकि चीन से हमले का खतरा सता रहा है। जापान ने अभी भी, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, जापान ने भी अपने टैंक अपने बॉर्डर्स पर लगा दिए हैं, क्योंकि अब खतरा हो रहा है चीन से युद्ध का। तो तैयारी कर लीजिए, चीन अब तृतीय विश्व युद्ध की पूरी पूरी तैयारी में है, और ये विश्व युद्ध होके रहेगा। अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है, पैसे खत्म हो गए भैया, जनता की भूखी मरेगी, और चीन इसका फायदा उठाकर अब युद्ध करेगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी संपन्न ताकत के रूप में चीन उभर रहा है, और आप कुछ रोक भी नहीं पाएंगे। कारण क्या है इसका, थोड़ा फ्लैशबैक चलिए, 1-2 साल, 10 साल, 15 साल पीछे चलिए, हम गुलाम हो गए चीनी आइटमों के। भाई साहब दिवाली पर लाइट जलानी है तो चीनी के लाइट ही जलेंगी, पटाखे भी चीनी से आएंगे, जो चीन कभी बनाता नहीं है, जिस त्योहार को चीन कभी मनाता नहीं है, उसकी सामग्री उपलब्ध करवाई है चीन ने भारत में, क्योंकि उसे पता है कि हमारी गुलामी की मानसिकता है, और हम भारतीय गुलामी करते रहेंगे उसके पदार्थों की, उसके चीजों की। तो जरा बाहर आइए, सोचिए, हम जहर ले रहे थे चीन से, अब तक सस्ती इसलिए दे रहा था क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन मैं आइटम रोक दूंगा, जिस दिन मैं एक्सपोर्ट रोक दूंगा, चीन पूरी तरह इंडिया पूरी तरह घुटनों पर आ जाएगा, और वो स्थिति हो चुकी है। तो ये पूरे कर्मकांड में चीन का जो हाथ रहा है वो इसीलिए क्योंकि चीन एक महाशक्ति, अपने शत्रुओं को हरा के कमजोर करके एक ताकतवर देश बनना चाहता है, जो कि बन चुका है। अमेरिका की GDP गिरा के चीन उससे ऊपर आ चुका है, दुनिया का नंबर एक देश बन चुका है। अब जो चीन कहेगा भैया आपको मानना पड़ेगा, अब वो अमेरिका भी मानेगा, फ्रांस भी मानेगा, रशिया भी मानेगा, और भारत भी मानेगा। तो मेरी गुजारिश है अभी भी आप लोगों से, ये वायरस का जब झमेला खत्म हो, ना हो, कब हो क्या पता, ऊपर वाला रखवाला है, हम दुआ करेंगे कि, हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी भारत से इसको बाहर निकाला जाए। उसके बाद आपको कसम खानी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी कि चीन का कोई एक आइटम ना खरीदें। चीन का आइटम खरीदना यानी देश से गद्दारी करना, दुश्मनों से हाथ मिलाना। मैं तो गुजारिश करूंगा इस भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि चीन से आने वाले सभी, आने वाली पूरी फ्लाइट्स को रोक दिया जाए, वहां के सारे बिजनेसेस और वहां के सारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, या उनके टैक्स को, करों को 200-300 गुना कर दिया जाए, ताकि चीन हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए सोचे भी ना। तो सतर्क रहिए, चीन अब युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत के पास कोई रास्ता नहीं है, पूरी दुनिया के पास रास्ते खत्म हो गए, इकोनॉमी डाउन हो गई है, पैसे खत्म हो गए, कहां से युद्ध लड़ेंगे, अपने लोगों की रक्षा करेंगे या युद्ध लड़ेंगे। और चीन ने
तैनात कर दिए हैं अपनी 80 कंपनियां अपने बॉर्डर्स पर, क्योंकि शायद हो सकता है किसी वक्त कहीं भी हमला, पहले शायद जापान और ताइवान का नंबर आएगा। तो दोस्तों मेरा मैसेज पहुंचाइए भारत सरकार तक, ताकि इसके लिए ठोस कदम उठाए जा सकें और हम सभी की सुरक्षा की मनोकामना है मेरी, मेरी प्रार्थना है भगवान से कि जल्दी से अपने लोगों को ठीक करें और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।